हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौर कुमार मैथ पर। हम रेशियल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपना हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक, देखो आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, उसको हम करना सीखेंगे। ठीक, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सके। देखो यहाँ पर मिक्स्ड प्रोपोर्शन, देखो इस टाइप में जितने भी क्वेश्चनों को हम करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए केवल हम एक ही फार्मूले का हम यूज यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर यह जगह एम वन डी वन एच वन अपान डब्लू वन, ठीक, और बराबर यह हो जाएगा इसके एम टू डी टू एच टू अपान डब्ल्यू टू। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उन सब में हम इसी का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो जो m बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से m बराबर, यहाँ पर देखो ये आदमी के लिए भी इसको हम यूज करेंगे। इसके स्थान पर हम देखो अगर क्वेश्चन में वोमेन दिया रहेगा तो इसको हम उसके स्थान पर भी यूज करेंगे। अगर देखो चिल्ड्रन दिया रहेगा चाइल्ड, तब भी इसका हम यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो अगर कोई वर्कर रहेगा तब भी उसको हम इसी के स्थान पर यूज करेंगे। ठीक, अब देखो जो यहाँ पर डी है, डी बराबर यहाँ पर क्या होगा डेज। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो एच है, एच बराबर होगा आवर, कितने घंटे, अगर क्वेश्चन में घंटे दिया है कि कितने घंटे वह काम कर रहा है, तब यहाँ पर एच को भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और देखो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या है वर्क। ठीक, मिक्सड प्रपोर्शन में हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इसी पर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चलो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन इसे दिया है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, देखो 20 लोग प्रतिदिन, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर यूज क्या करना है। देखो एम वन डी वन और एच वन अपान डब्ल्यू वन बराबर एम टू डी टू एच टू बटे में डब्ल्यू टू। ठीक, देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले इसमें कितने लोग हैं, 20 लोग, तो यहाँ पर देखो एम के स्थान पर कितना हो जाएगा 20 गुणे में, और आगे देखो क्या दिया है कितने घंटे 8 घंटे, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा देखो 8। ठीक, अब देखो आगे क्या दिया, कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 15 दिन के लिए। ठीक, सबसे पहला जो इसमें दिया क्या कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो किसी काम को, ठीक, पूरा करते हैं, और देखो फिर प्रतिदिन 10 घंटे, देखो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को, देखो यहाँ पर क्या, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर एम निकालना है इंटू, और देखो यहाँ पर कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कितने घंटे 10 घंटे। ठीक, और यहाँ पर देखो जो दोनों साइड का जो वर्क है जो काम है वो दोनों सेम है बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू वन डब्ल्यू डब्ल्यू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो केवल इतना ही बचेगा। अब यहाँ पर हमको देखो एम बराबर हमको बताना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब देखो 4 × 4 4 × 2 = 8। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ठीक, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 × 3 = 60, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार और समझो कि देखो 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 × 8, देखो सीधे सीधे आपने क्या किया, यहाँ पर देखो 20 × 8 गुणे में कितने दिन में, 15 दिन में खत्म करते हैं। ठीक, बराबर आगे क्या दिया था इसमें कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, देखो 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को देखो 4 दिनों में कितने लोग, यहाँ पर क्या पूछा, कितने आदमी है ना पूछा, देखो कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो हमको एम बताना था, तो यही सीधे देखो एम बराबर आ गया, इसको जब सॉल्व आप करोगे तो एम बराबर कितना आ गया 60। ठीक, नोट करो इसे। चलो अगला देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन कि एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों को आवश्यकता है। ठीक,
और उसी संख्या में वस्तुएं, देखो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी जो देखो, यहाँ पर जो दिया संख्या ना, यह टोटल वर्क था, ठीक, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया है कि 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या, 144 दिन में यहाँ पर देखो टोटल डेज दिया कितना, 144 गुणे में, आगे देखो क्या दिया है, 144 दिनों में निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। देखो 144 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56, ठीक, बराबर। यहाँ पर जो निर्धारित जो संख्या जो दिया, इसका मतलब क्या, वही उतना वर्क था, लेकिन दोनों का वर्क जो है बराबर है, इसमें यही है, ठीक। आगे देखो, अब उसी संख्या में, देखो उसी संख्या में वस्तुएं, कि यहाँ पर देखो जो वर्क है सेम है, इनका जो संख्या सेम है, देखो उसी संख्या में वस्तुएं कितना, 96 दिनों में, ठीक, 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो उनको मशीनों बराबर बताना है, कि यहाँ पर देखो एम बराबर बताना है। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे एम बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 गुणे में 12, और यहाँ पर जो 12 96, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 का 9 8, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, और 12 7 कितना हो जाएगा, 84, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल मशीनों की संख्या कितनी आ गई, 84, ये इसका हो जाएगा आंसर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको एक तरफ से पढ़ते जाना क्वेश्चन का, और इसी पर आप सॉल्व करेंगे कि M1 D1 H1 अपान W1, और बराबर ये हो जाएगा M2 D2 H2 अपान W2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप देखो, देखो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति, देखो 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति, ठीक, आगे देखो क्या दिया है कि 10 दिन में किसी काम को 3 यूनिट कार्य को, देखो 3 यूनिट कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर देखो काम भी दिया है, 3 यूनिट कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में, तो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, 3, ठीक। अब देखो आगे, देखो दिया आगे कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, देखो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, देखो 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति, 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को, देखो बटे में कितना जगह, 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है, डेज आपको बताना है, ठीक। देखो यहाँ पर आपको जो इनका जो वर्क है वो यूनिट में दिया है, कि यहाँ देखो आपको 3 यूनिट काम किया था, यहाँ पर देखो कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया कितना है, 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति, देखो 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको डेज बताना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 का 9 6 6 3 कितना हो जाएगा, 18, ठीक। और यहाँ पर देखो 5 का 9 5 5 25, यहाँ पर बचा 5, अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 का 9 5 5 2 हो जाएगा 10, ठीक। और यहाँ पर बचा 3, 3 से 3 कैंसिल, 8 दिन कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पर देखो दिन बराबर कितना आ गया, 16 दिन, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक, नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, ठीक। देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में कितने बॉक्स, 35 बॉक्स, यहाँ पर देखो जो वर्क है कितना है, 35, ठीक। और 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक। यहाँ पर देखो वर्क दिया है टोटल और डेज दिया, देखो यहाँ पर 15 व्यक्ति कितने दिन में, 7 दिनों में कितने बॉक्स को, 35 बॉक्स, यहाँ पर देखो जो 35 था यह क्या था, टोटल वर्क था, ठीक, 35 बॉक्स को भर सकते हैं। और आगे दिया कितना कि 5 दिनों में, देखो 5 दिनों में कितने व्यक्ति, यहाँ पर यह हम बताना है, और कितना 65 बॉक्स को भरेंगे, ठीक। यही ना है, देखो क्वेश्चन में क्या था कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में, देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में कितने बॉक्स को, 35 बॉक्स को भरते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 दिनों में कितने व्यक्ति 65 बॉक्स को भरेंगे। तो यहाँ पर देखो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो 5 7 कितना हो जाएगा, 35, 13 5 कितना हो जाएगा, 65, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, यह हम आ जाएगा इधर, ठीक, देखो इन दोनों को हो जाएगा, देखो 5 का 9 5 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक, 13 3 कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर देखो 39 व्यक्ति, ये जगह इसका आंसर कि 39 व्यक्ति
5 दिनों में 65 बॉक्स को भरेंगे, ठीक। इसका यही हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप इसे। चलो अब सबसे पहले आप एक कंसेप्ट समझो, ठीक। कंसेप्ट के बाद उसी पर बेस्ड हम अपना अगला क्वेश्चन लेंगे कि आपका देखो एक टाइप खत्म हुआ इसमें, आपका देखो नेक्स्ट टाइप इसमें रहेगा। जैसे देखो अगर आपसे बोला जाए, देखो देखिए यहाँ पर, जैसे अगर दिया हो आपको 4/5, ठीक। अगर आपको बोला जाए देखो 4/5 हिस्सा, इसका मतलब क्या होगा? देखो 4/5 हिस्सा अगर आप खा लेंगे, देखो अगर आपको बोल दिया जाए आप किसी, देखो आपको कुछ नहीं कि 4/5 हिस्सा आपने खा लिया तो यहाँ पर कितना हिस्सा बचा? देखो ध्यान समझो, अगर आपने 4/5 हिस्सा अगर खा लिया तो यहाँ पर कितना हिस्सा बचा? यहाँ पर देखो जो है इसका डिनोमिनेटर जो होता है, जो इसका हर होता है, हर या क्या होता है टोटल, ठीक है। आपको पता होगा पहले से, यहाँ पर जो इसका हर होता है टोटल होता है। देखो यहाँ पर देखो 5 में से देखो आपने कितना खा लिया, 4। जब आपने 5 में से 4 को खा लिया, देखो 5 में से आपने 4 को खा लिया तो आपके पास कितना बचा शेष? यहाँ पर देखो शेष कितना बचा है अगर आपको बताना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को आप 5 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 1/2 में कितना हो जाएगा, 5, ठीक। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि 5/4 हिस्सा आपने खा लिया, 5 4/5 हिस्सा आपने खा लिया, तो इसका मतलब क्या होगा टोटल जो कितना था 5 था, 5 में से आपने 4 खा लिया तो आपके पास कितना बचा शेष, 1 बचा, ठीक। कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर इतना हिस्सा बचा हुआ है, ठीक। देखो ध्यान से एक और, कि अगर बोला जाए कि 2/3, ठीक, ध्यान से समझो कि 2/3 हिस्से को अगर हिस्सा अगर आपको दिया जाए, देखो यहाँ पर देखो ए है, यह देखो बी है, ठीक। यहाँ पर देखो किसी, देखो कोई चीज़ है जिसका 2/3 भाग अगर देखो बोल दिया जाए कि 2/3 भाग बी को दे दिया जाए, 2/3, देखो 2/3 हिस्सा बी को दिया गया तो ए को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? देखो ध्यान से कि टोटल कितना था 3, जो इसका हर होता है यही होता है टोटल, ठीक। टोटल कितना था 3, ठीक। 3 में से 2 हिस्सा किसको दिया गया, 2 को, ठीक। तो यहाँ पर कितना हिस्सा ए को मिला? देखो जो शेष बचा होगा ए को मिलेगा, तो यहाँ पर देखो इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में से आप कर दोगे माइनस तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर 1 कितना मिला, 1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल कितना था 3 था, 3 में से 2/3 भाग किसको मिला, देखो 3 में से 2/3 भाग मिला बी को, और शेष कितना, देखो शेष निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से हम माइनस कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है शेष। यहाँ पर शेष कितना था, 1/3, कि 3, देखो 3 तो है पूरा, 3 में से कितना था, 1, ठीक। इसी का यूज हम अगले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम करेंगे, ठीक। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में पूरा करेंगे? देखो ध्यान से, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4, ठीक। यहाँ पर टोटल कितना है, 4 है, और इसमें से 3 भाग को देखो जो आगे जो पूछा है, 3 भाग को पूछा है कि उसी कार्य के 3/4 भाग को, इसका मतलब क्या टोटल 4 था, इसमें से 3 भाग को, देखो 3 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में पूरा करेंगे? देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 20 पुरुष, देखो यदि 20 पुरुष किसी कार्य को, देखो 20 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिनों में, और किसी कार्य के मतलब यहाँ पर क्या है टोटल कितना कार्य है, 4। तो देखो 20 पुरुष 36 दिन में 4 कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने पुरुष, ठीक, कितने पुरुष 18 दिनों में, देखो 3/4, 3/4 का मतलब 4 का कितना, 3 भाग, यहाँ पर देखो 3 भाग को पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है कि देखो कितने पुरुष 18 दिन में 3/4 भाग को पूरा करेंगे, इसका मतलब 3 भाग को पूरा करेंगे कितने दिन में, यही पूछा है। तो इसको आप कर दो सॉल्व, यहाँ पर देखो आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 6 18, 4 × 4 4 9 36, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना, 3 × 2 6 3 3 9, 2 × 2 2 × 20, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर देखो एम बराबर कितना आ गया, 30, ये इसका हो जाएगा आंसर। 30 आदमी
30 आदमी 18 दिन में देखो 3/4 भाग को पूरा करेंगे। ठीक, यह तो है देखो इसका फर्स्ट मेथड। देखो अब सेकंड मेथड, देखो क्वेश्चन क्या बोला है समझो पहले ध्यान से। क्वेश्चन में बोला क्या कि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, देखो 20 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और देखो आगे क्या दिया है कि उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष, देखो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष, कितने पुरुष देखो कितने पुरुष 18 दिन में, देखो कितने पुरुष 18 दिन में पूरा करेंगे, कितना 3/4। देखो जब 3/4 बोला है तो यहाँ पर देखो इंटू 3/4, यहाँ पर उसी को आप सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करो 3/4। देखो जितना आपसे पूछे जितना भाग उसको आप पहले वाले में आप इंटू कर दो सीधे सीधे। ठीक, यहाँ पर देखो 3/4 इसी को आप कर दो सॉल्व। देखो 4 × 4, 4 × 9 = 36। ठीक, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 2 × 9 = 2, 2 × 10 = 20, तो ये बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 30, कि यहाँ पर टोटल कितने आदमी, 30 आदमी है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया क्या कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं, वो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो क्या कह रहा है, मूल दीवार से 50% अधिक, कहने का मतलब जो मूल जो होगा वह कितना होगा, 100%। ठीक, और मूल दीवार से 50% अधिक इसका मतलब कितना हो जाएगा, 150%। यही तो हुआ ना, 150% वो बनाना पहले बना रहा था कितना, 100%, और उससे 50% और अधिक इसका मतलब कितना, 150%। देखो कितना दिया क्वेश्चन में कि 5 पुरुष, ध्यान से देखो 5 पुरुष 12 दिनों में, ठीक 12 दिनों में, देखो 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, किसी दीवार को मतलब क्या है यहाँ पर, मूल कितना है, 100। देखो बटे में कितना हो जाएगा, 100 बराबर। देखो और आगे क्या दिया है, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए, देखो 10 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितना बनाने के लिए, कितनी दीवार, 50% अधिक, इसका मतलब पहले था 100%, उससे 50% जब अधिक होगा तो आ जाएगा कितना, 150। इसी को आप कर दो सॉल्व। देखो यहाँ पर ध्यान से 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल। ठीक, और यहाँ पर देखो ये बराबर देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से ये चला जाएगा, यह ऊपर यह हो जाएगा, देखो 5 × 15 गुड़े में कितना हो जाएगा, 12, बटे में कितना हो जाएगा, 100। देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10 कितना आ गया, 20। ठीक, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 20। ठीक, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 3 × 3 का कितना हो जाएगा, 9, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो आप लोग अब अगला कंसेप्ट सीखो। आपका जो सेकंड जो टाइप था इसमें अभी कंप्लीट हुआ, तीसरा टाइप देखो इसमें। देखो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा कि देखो अगर आपसे क्वेश्चन करे देखो कि 50 लोग किसी काम को अगर देखो 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, देखो 50 लोग, देखो 50 लोग किसी काम को अगर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो देखो उसी काम को, देखो उसी काम को कितने लोग 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो क्या है समझो पहले, यहाँ पर देखो जो है 50 है क्या है, आदमियों की संख्या। ठीक, और जो यहाँ पर 20 है क्या है, दिन। ठीक, और यहाँ पर देखो यह तो आपको बताना है यहाँ पर कितने आदमी हैं, और यहाँ पर देखो दिया कितने दिन में, 10 दिन में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से कि देखो 50 लोग किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 10 दिन में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर देखो कि 50 लोग किसी काम को कर रहे हैं कितने, 20 दिन में, 50 लोग किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, अगर हम उसी काम को 10 दिन में खत्म करना चाहें तो वहाँ पर कितने लोग उस काम को करेंगे, तो यहाँ पर 100 लोग करेंगे। ठीक, समझो ध्यान से, देखो इसी को अगर दूसरे मेथड से लगाओ, यहाँ पर देखो लोगों की संख्या है कितने लोग, और यहाँ पर देखो दिन। ठीक, समझो ध्यान से,
सबसे पहले क्या था कि 50 लोग, देखो 50 लोग किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में, ठीक। और आपसे देखो क्या बोला है यहाँ पर कि अगर उसी काम को अगर वह 10 दिन में खत्म करना चाहें, देखो अगर उसी काम को वह 10 दिन में खत्म करना चाहें तो यहाँ पर कितने लोगों की यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, देखो 100 लोगों की। यही तो हुआ ना कि 100 लोगों की आवश्यकता होगी। अगर आप यहाँ पर देखो इनका अगर आप रेशियो निकालना चाहो, देखो लोग का मतलब यहाँ पर क्या है, पर्सन, कितने यहाँ पर पर्सन है, तो यहाँ पर यह कितना है डेज, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहो, देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना यह हो गया 1:2, यही नहीं आया। और यहाँ पर देखो 2 का नाम 2, 2 5 नहीं, यहाँ पर यह तो हो गया पहले 1:2, यहाँ पर देखो इनका अनुपात क्या आ गया 2:1। देखो यहाँ से यहाँ पर आप देखो जो पर्सन का जो रेशियो है कि 1:2 है, यहाँ पर लोगों के जो लोगों का जो अनुपात हुआ कितना 1:2, और यहाँ पर दिनों का अनुपात कितना है 2:1। यहाँ पर देखो इन दोनों के जो अनुपात है आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, कि यहाँ पर दोनों का उल्टा है। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या पता चल गया कि देखो कि जो पर्सन की जो देखो कि जो पर्सन है वह समानुपाती होता है 1/2 में किसके, डेज के। यहाँ पर देखो जो पर्सन है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है डेज के, या फिर जो डेज है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पर्सन के। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कि अगर आपको देखो अगर आपको पर्सन का या अगर आपको देखो लोगों की अगर संख्या का अनुपात अगर आपको पता है तो वहाँ पर आप दिनों का अनुपात बता सकते हैं। कि अगर देखो अगर आपको यहाँ पर पता हो कि अगर लोगों की संख्याओं का अनुपात कितने आदमी हैं उनकी संख्याओं का अगर आपको अनुपात पता हो, जैसे क्या 3:2 है, तो यहाँ पर कितने दिन लगेगा, उनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका उल्टा ये हो जाएगा कितना 2:3, ठीक। तो यही आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। इसी पर बेस चलिए हम अब अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो हमारा एक क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो पुरुषों के एक समूह ने, देखो पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया, ठीक। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक देखो 10 दिनों में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए। देखो लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, और यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया तो पुरुषों की संख्याओं का क्या बताना है, संख्या बताना है। देखो तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल संख्या कितनी थी हमको बताना है। देखो सबसे पहले क्या दिया है कि पुरुषों देखो पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में किसी काम को करने का क्या लिया, निर्णय लिया। देखो यम इंटू कितना हो जाएगा 10, कि यहाँ पर देखो कुछ पुरुषों के समूह ने 10 दिनों में किसी काम को खत्म करने का निर्णय लिया, ठीक। लेकिन देखो उसमें से देखो लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, पहले कितनी थी संख्या यम थी, लेकिन अब कितनी हो गई यम-5, क्योंकि उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए। तो यहाँ पर देखो जब 5 अनुपस्थित हो गए तो यदि समूह के शेष सदस्यों ने जितने सदस्य यहाँ पर बचे हैं कि यम-5, तो यहाँ पर जितने सदस्य बचे इन्होंने देखो उस काम को कितने दिन में पूरा किया, 12 दिनों में पूरा किया। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि पुरुषों की कुल संख्या, कि पहले पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी, यहाँ पर आपको यम बराबर बताना है। इसको आप कर दो सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6 का कितना हो जाएगा 12, ठीक। 5 m बराबर यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 6 m, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, ठीक। अब देखो यहाँ पर यम आ जाएगा इधर, इसको कर दो आप इधर, तो यहाँ पर देखो यम बराबर कितना आ जाएगा सीधे सीधे 30, यह इसका हो जाएगा आंसर कि टोटल आदमी की संख्या कितनी थी, 30 थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको आप इसको सॉल्व करने का आप सेकंड मेथड सीखो, या तो देखो इसका फर्स्ट मेथड था बेसिक, इसका जो सेकंड मेथड जो आपने अभी कंसेप्ट सीखा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य को करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर देखो दिनों का अनुपात आपको दिया है। देखो दिनों का जो अनुपात, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व, देखो इस काम को पूरा करने के लिए कितने 10 दिनों का समय इसने लिया, और इसके बाद जब इसमें से 5 लोग जब अनुपस्थित हो गए तो उसके बाद इस काम को कितने दिन में खत्म किया है इन लोगों ने, 12 दिनों में। देखो कितना हो जाएगा 10:12, कितना यहाँ पर देखो हो जाएगा 2 5 10, और 2 6 का कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखो दिनों का अनुपात कितना आ गया, 6:5, 5 नहीं 5:6 आ गया, ठीक। देखो
दिनों का जो रेशियो यहाँ पर आपको मिल गया वो कितना हो गया, देखो 5:6। तो यहाँ पर देखो आदमियों की संख्या जो है, आदमियों का जो अनुपात हुआ कितना हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि आपने अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने सीखा। देखो आदमियों की संख्याओं का ये रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या, क्वेश्चन में आपको दिया है कि उनमें से, देखो उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। देखो समझो ध्यान से, जब देखो 6 लोग जब उस काम को जब करना जब शुरू किए तो कितने दिन में खत्म हुआ, 5 दिन में। और जब आदमियों की जब संख्या जब एक घट गई तो 5, देखो आदमियों की संख्या जब एक घट गई जब 5 हो गई तो वह कितने दिन में खत्म हुआ हुआ काम, 6 दिन में। यहाँ पर देखो कितनी संख्या का, देखो यहाँ पर इनका हम डिफरेंस जब लेंगे कितना आ जाएगा, 1। कि यहाँ पर देखो आदमियों की संख्या का जो अनुपात का जो डिफरेंस कितना आ गया, 1। कि यहाँ पर देखो पहले कितना काम कर रहे थे 6 लोग, अब कितना काम कर रहे हैं 5, तो इनका अंतर कितना आ गया, 1। यहाँ पर कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि कितने लोग नहीं आए, कितने की कमी हुई है, 5 की कमी। तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट जो है बराबर हो जाए कितने के, 5 के। और आपसे क्या पूछा है कि कितने कुल कितने आदमी थे, सबसे पहले कुल कितने आदमी थे, 6 आदमी। जब 1 यूनिट बराबर है कितने के, 5 के, तो यहाँ पर 6 यूनिट बराबर है कितने के हो जाएगा, 5 गुणे में 6 बराबर कितना आ जाएगा, 30। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आपका अगर मन करे तो आप इस फर्स्ट वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर इस सेकंड वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखो यह क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यदि 15, देखो यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो पूरा करने में, देखो यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो पूरा कार्य होने में 18 दिन अधिक समय लगता है। देखो 15 व्यक्ति जब कम हो जाएंगे, यहाँ पर m माइनस कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ पर टोटल कितने दिन के, देखो 18 दिन क्या हो गया, अधिक समय लगेगा, पहले कितना लगा था 54, तो अब कितना लगेगा 18 दिन से अधिक, तो 54 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 72। ठीक, 18 इसमें आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 72। तो देखो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 9 से आप इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा, 9 छक्का हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 9 8 72। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया देखो 6 m, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 m -15। देखो 15 8 कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब इसको आप इधर ले जाओगे, इसको आप इधर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 m बराबर कितना आ जाएगा, 120, तो m बराबर यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 60। ये इसका हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर इसका सेकंड मेथड, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ो, कि किसी निश्चित संख्या, देखो किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में, देखो यहाँ पर डेज का रेशियो लिखो फटाफट, कितने दिन में, 54 दिनों में। ठीक, और इसके बाद जब इसमें से 15 व्यक्ति जब कम हो गए तो कितना दिन इनको लग गया, टोटल 72 दिन। ठीक, इन दोनों का आप रेशियो लो कितना हो जाएगा, देखो 9 छक्का 54 हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 8 72। ठीक, देखो 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पर देखो इनका रेशियो कितना आ गया है, 3:4, कि डेज का रेशियो कितना आ गया, 3:4। तो यहाँ पर देखो पर्सन की जो यहाँ पर रेशियो कितनी हो जाएगी, देखो पर्सन का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोग कितना आ जाएगा, 1। और जो है 1 बराबर है कितने का है, 15 के। देखो 1 बराबर है 15 के, तो यहाँ पर आपको बताना है 4। तो यहाँ पर देखो 4 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। ये हमारा देखो ना लास्ट टाइप है इसमें। ठीक, समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को, आप लोग समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया देखो, कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, समझो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है, कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखो कि 10 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन के बाद, देखो 6 दिन बाद 5 और पुरुष उस, देखो 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। देखो 6 दिन के बाद, इसका मतलब कितना, यहाँ पर 6 दिन के बाद यहाँ पर कितना आ गया, 12 दिन। ठीक, देखो 6 दिनों के बाद इसमें, देखो जितने दिन आपको बोलेगा, जितने दिन के बाद या जितने जितना दिन, तो इस टोटल में से आप उसको माइनस करोगे, यहाँ पर कितना आ गया, 12 दिन। इसका मतलब यहाँ पर देखो
10 लोगों ने 12 दिनों तक तो काम किया, ठीक। और इसके बाद क्या बोला, इसमें कितने लोग शामिल हो गए, 5 लोग। देखो 5 और पुरुष शामिल हो गए, तो इसका मतलब देखो कितना हो जाएगा, 10 लोग थे तो 10 के बाद कितना हो जाएगा, 15। तो 15 लोग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही इसका देखो बन जाएगा क्या इक्वेशन, समझो ध्यान से। देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में, देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। तो 6 दिन के बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले 6 को इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा 12। जितना आ गया तो पहले जो कितने व्यक्ति थे, 10। तो 10 लोगों ने उस काम को कितने दिन में समाप्त किया, 12 दिन में। अब इसके बाद 5 लोग और इसमें शामिल हो गए, तो यहाँ पर देखो 15 हो गए, 15 गुणे में कितने दिन में समाप्त करेंगे उस कार्य, क्योंकि 5 लोग जब इसमें और शामिल हो जाएंगे तो वह उस कार्य को देखो, और वह उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो डे बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5 दुनी 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12, 4 दुनी कितना हो जाएगा 8। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। एक बार और अब इस क्वेश्चन को समझो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं किसी कार्य को, और 6 दिन के बाद, जब देखो जितना बोलेगा इसमें 6 दिन के बाद या 6 दिन कम ये सब कुछ भी बोलेगा, तो इसमें से आप 6 को माइनस करोगे टोटल डे में से, तो कितना आ गया यहाँ पर 12 डे, यही ना आ गया। देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 दिन के बाद 5 और पुरुष आ जाते हैं। जब 5 और पुरुष आ जाएंगे कितना हो जाएंगे, पुरुषों की संख्या 15। सबसे पहले यहाँ पर देखो 10 गुणे में हो जाएगा कितना 12, देखो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 12 बराबर। देखो अब कितने व्यक्ति और आ गए इसमें, 5 व्यक्ति, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, डे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो डे बराबर कितना हो जाएगा टोटल 8 दिन, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, देखो समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार हो कि देखो एक कार्य को, देखो एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया, ठीक समझो 20 व्यक्तियों को लगाया गया है, देखो किसी काम को पूरा करने में, जो कि उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में। देखो यहाँ पर 8 दिन में ये उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो देखो COVID-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति, देखो 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद काम को छोड़कर चले गए, कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 4, ठीक। अब समझो कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति उस काम को छोड़कर चले गए, इसका मतलब जो 4 व्यक्ति इसमें से कम भी तो हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना 16 व्यक्ति। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर 20 गुणे में कितना हो जाएगा 4, देखो 20 गुणे में 4 बराबर है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, डी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो डी बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 16, 4 × 4, 4 × 5 = 20, डी बराबर कितना आ गया 5 दिन, ठीक। और देखो ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या, यहाँ पर देखो आपसे कुल संख्या पूछा। सबसे पहले देखो कितना 4 है और 5 है टोटल, देखो टोटल डेज बराबर, देखो कितना आ जाएगा, सबसे पहले कितना था 4, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना लगा 5, बराबर कितना हो जाएगा 9 दिन, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसी क्वेश्चन के साथ आपको जो है टाइप था मिक्स्ड प्रोपोर्शन यह कंप्लीट हुआ। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।